सो हे गाइस, मेरा नाम है जावीर अंसारी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी के द्वारा बहुत ही बड़ी वैकेंसी जारी होने वाली है। इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसमें टोटल आपको कितना पोस्ट मिलेगा। बहुत ही बड़ी वैकेंसी जारी होने वाली है एसएससी के द्वारा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपकी भर्ती जारी की गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें आपको कई प्रकार की वैकेंसियां मिल जाएंगी। वेरियस ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट मिलेंगी और इंटरमीडिएट पे और मैट्रिकुलेशन यानी कि टेंथ के क्वालिफिकेशन पे आपको यहां पे कई प्रकार की वैकेंसियां मिलेंगी। सो गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं इस फॉर्म का जो अप्लाई करने का डेट अभी इन्होंने कन्फर्म नहीं किया गया है। जनवरी 2020 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन और अप्लाई होने का जो डेट है वो अपडेट कर दी जाएगी, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और मैं आपको दोस्तों लेके चलूंगा जहाँ पे इनके ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका लास्ट डेट जो है वो अभी कंफर्म नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे अवेलेबल सून बताई गई, यानी कि जल्द ही जारी हो जाएगी। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट जो रहेंगे वो ₹100 फी पेमेंट करेंगे, और अदर स्टेट के जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पे जो फी है एक भी आपको फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट फी पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आप ऑफलाइन भी फी पेमेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं चालान के द्वारा। इसमें जो आपकी दोस्तों एज ली जाएगी अभी नॉट मेंशन की गई है, यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड, मतलब कि अभी जारी नहीं किया गया है आपका एज में छूट, ये सब अभी कुछ डिटेल्स नहीं जारी की। लेकिन आपको टोटल कितना पोस्ट मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जारी होने वाली है एसएससी के द्वारा। ये एक अपकमिंग वैकेंसी है, इसमें आपको टोटल 1,08,338 पोस्ट जारी होगा। ये आपका जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन में वैकेंसी जारी हुआ है, देख सकते हैं। वेरियस ग्रेजुएट लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे और मैट्रिकुलेशन लेवल पे, ये आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी जारी होगा। पोस्ट नेम अभी कंफर्म नहीं की गई है, और यहाँ पे अप्लाई जो आपको करने का मोड रहेगा ऑनलाइन के बेस पे, आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और हु कैन अप्लाई, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को सबमिट करेंगे पे स्केल, यानी कि जो आपकी सैलरी है नॉट स्पेसिफाइड है। यहाँ पे जो जॉब लोकेशन रहेगा दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया, आप इंडिया के चाहे किसी भी स्टेट से, जिले से, कहीं के भी रहने वाले रहेंगे, इंडिया के अंदर के रहने वाले रहेंगे, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आपको ऑनलाइन इस फॉर्म को सबमिट करना है। जनवरी 2020 से ये वैकेंसी अप्लाई होना स्टार्ट होगा। देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे आपके लिए मांगी गई हैं, फॉर ग्रेजुएट लेवल के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसी प्रकार गाइस, यहाँ पे हम बात करें इंटरमीडिएट के लिए, तो आपके पास 12 का क्वालिफिकेशन यानी कि 12वीं क्लास अगर आप पास हैं तो आप 12वीं क्लास के लिए पोस्ट अप्लाई करेंगे एसएससी के द्वारा, जो वैकेंसी जारी होगा। अगर आप मैट्रिकुलेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल का जो लेवल है वो आपको क्वालिफाई होने चाहिए इस पोस्ट को सबमिट करने के लिए। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो नोटिस दी गई है, ये जो आपकी भर्ती जारी की गई है किसके द्वारा, यहाँ पे आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। सिलेक्शन जो प्रोसीड रहेगा दोस्तों, इस फॉर्म का ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इस पोस्ट को दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, ये सब डिटेल्स आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो लिंक है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, स्टार्ट जो होगा जनवरी 2020 में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही दोस्तों स्टार्ट होता है, मैं उस पर फिर से वीडियो आपको बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या क्या इसमें पोस्ट जारी की गई है, कब से किस तरह आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। नोटिफिकेशन दोस्तों चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ दोस्तों आपको क्लिक करके ऑफिशियल पेज को आपको चेक करना है। सो गाइस, चलिए एक बार हम चलते हैं नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी किया गया है। देख सकते हैं एसएससी 2019-20 के दौरान 1,00,000 से ज़्यादा पदों पर करेगा भर्तियाँ, जानिए डिटेल्स। ठीक है, आप लोग को दोस्तों यहाँ पे ये जानकारी होनी चाहिए कि एसएससी के द्वारा बहुत ही बड़ी वैकेंसी जारी होने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, सरकारी नौकरी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 2019-20 के दौरान 1,08,338 पदों पर भर्ती करेगा, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। ठीक है,
आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसको दोस्तों एक बार आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पूरा जो डिटेल्स है मेंशन किया गया है गाइस, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और ये फॉर्म जो है अप्लाई होगा जनवरी 2020 से, जैसे ही अप्लाई होता है दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इस फॉर्म को सबमिट करना है। गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो गाइस हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, आप तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त गाइस, बाय बाय।